दोस्तों, मैं हूं वाड़ीलाल गड्ढा। फिर आपके सामने एक बार आया हूं। मैं देख रहा हूं कि देश में गैंगरेप की घटनाएं हमेशा हर 15 दिन महीना कहीं ना कहीं होती रहती है। ऐसी तो रोज हजारों घटना होती है, लेकिन बड़े हाई प्रोफाइल केस जैसे नहीं होती है। जैसे अभी यूपी में हुआ, बीच में निर्भया हुआ, बाद में हैदराबाद हुआ, काफ़ी आज पुलिस को मजबूर होके इनकाउंटर करना पड़ता है कि इनको दरिंदों को हिंदुस्तान में ऐसा ज्यूरिडिक्शन नहीं है जिनको इनको फास्ट सज़ा मिले। मैं आपको हिंदुस्तान की आवाम, हिंदुस्तान की जनता को रिक्वेस्ट करता हूं कि इनको सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में इनका ज्यूरिडिक्शन होना चाहिए और 30 दिन में चार सीट, 90 दिन में इनका फैसला होना चाहिए। और जैसा ही फैसला हो जाता है, हिंदुस्तान का जो बड़ा में बड़ा स्टेडियम है उनको बुक करने का, पब्लिक आएगी, पब्लिक लाखों रुपया टिकट खर्चा करके आएगी और उनके सामने उनको जाहिर में फांसी देने का। और उसका जो स्टेडियम का जो पैसा मिलता है वो बच्ची की फैमिली को मिलना चाहिए, तभी ये हिंदुस्तान में मालूम पड़ेगा कि रेप केस जो गैंग रेप करते हैं वो दरिंदों को, उनके जो भी ऐसा इरादा रखने वालों को, सबको सबक मिलेगा। जय हिंद।